Assalamualaikum viewers, I hope कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. दिस मी मुकर्मी. वेलकम टू नो, वेलकम टू नैनो ब्यूटीफुल डे. मेरी सुबह हो चुकी है. आई होप कि आप लोगों की सुबह हो चुकी है. थी ले आई मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा अपनी शहरी की सारी रूटीन, कि हमारी शहरी में क्या रूटीन होती है, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाऊंगी. लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा सारा, और नोटिफाई करें प्रेस द बेल आइकन. चलें जी चलते हैं, आपको दिखाते हैं आप क्या करते हैं. एज यू गाइस कैन सी कि मैं उठ चुका हूँ. मैंने फ्रेश हुआ थोड़ा. अब चलते हैं, देखते हैं मामा क्या बना रहे हैं. बाहर ढोल वाले अंकल आए हुए हैं जो उठाते हैं रोजे के लिए. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो लोग कैसे उठाते हैं. अंकल फुल ढोल बजाते हैं. वो देख सकते हैं ढोल बजा के जाई जा रहे हैं, आगे 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 जाई जा रहे हैं. इतना ऊँचा ढोल बजाते हैं जिसने नहीं भी उठना उसने भी उठ के बैठ जाना है. चलिए जी, जैसे कि आप लोग देख सकते थे कि ढोल एंकर ढोल बजा बजा के सबको उठा रहे थे. जिसने नहीं उठना उसने भी उठ के बैठ जाना है. तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में एक चीज़ शेयर करना चाहता था. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपना बर्थडे अनबॉक्सिंग का जो व्लॉग था, बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग. मैं आप लोगों को ये वाली अपनी वॉच दिखाना भूल गई थी. आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी वॉच है. ये भी एक गिफ्ट ही मिला है मुझे, जिसको दिया मुझे. अगर उसने व्लॉग देखा तो कॉमेंट ज़रूर करेगा. आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी वॉच है. चलिए जी, आप लोगों को मैंने कहा चलो आप लोगों को इसी ब्लॉग में आपके साथ ये वाली वॉच भी शेयर कर दूँ, दिखा दूँ आप लोगों को. चलिए अब देखते हैं कि सैली में क्या क्या बनता है, फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ. मैं गया किचन में तो मेरी मामा कहती कि दही ख़त्म हो गया. मैंने कहा ऑफ ये क्या. मामा कहती लस्सी बनानी है तो अब मैं जा रहा हूँ दही लेने. फिर जाने से पहले मेरी मामा कहती कि पहले छोटे भाई को उठा के जाओ. चलो उसको उठाते हैं. फिर अमर उठो, उठ जाओ, बहुत कम टाइम रह गया शहरी में, जल्दी उठो. मम्मा बुला रही है, मैं जा रहा हूँ दही लेने. अब उठाने ना आए कोई तुम्हें, जल्दी उठ जाओ, पहले कम टाइम रह गया. दही लेके आ चुका हूँ, लेकिन वो मनहूस कलमोया लड़का अभी तक नहीं उठा. उसे चल के उठाते हैं. ये ले मम्मा दही, चलते हैं इस मनहूस को उठाते हैं. फिर मैं उठा के गया था, उठा ही नहीं अभी तक. मैं तुम्हें कब का उठा के गया हूँ, तुम अभी तक उठे ही नहीं है तुम्हें पता. जी मैंने कहा मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ. मैंने कहा चलो मैं पानी भर लेता हूँ इसको. इसके भी फिक्स करते हैं, इसको पुश करते हैं. देखो पानी भर रहा है. एक तीर से दो निशान, एक हाथ के जरिए मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ. इसको पुश भी किया हुआ है और ये देखो पानी भर है. बॉटल को पकड़ा मैंने. मैंने कहा मैं भी कुछ कर लेता हूँ. ये आप लोग देख सकते हैं मैं बैठ के लस्सी बना रहा हूँ. मम्मा सब कुछ डाल दिए बीच में, दही वगैरह पानी में डाल दिया. उसमें मिक्स कर बैठ के मिक्स करते हैं. मैंने कहा चलो और थोड़ी मदद कर देते हैं, ग्लास रख देते हैं. आप लोग देख सकते हैं लस्सी मैंने बना ली है. ये मेरा परांठा बन रहा है, वो अंडा ऑमलेट बन रहा है और यहाँ चाय बन रही है. टेबल मैंने टेबल भी थोड़ा बहुत तैयार कर लिया है. ये देखते हैं लस्सी जो मैंने बनाई थी. ये चने थोड़े से हैं, ये शिमला मिर्च और आलू वाला सालन है. ये थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी भी मैंने यहाँ रख दी है. पानी की बोतल भी मैंने भर के रख दी है, ग्लासेस भी रख दिए हैं. अब मैं ये लो तुम्हारा परांठा, मैं ऑमलेट लेके आता हूँ. ये लो अंडा भी साथ खाओ. तुमने अभी तक शुरू नहीं की, वो ले लेते सालन. तुम्हें पता कितना कम टाइम रह गया. मेरा परांठा भी आ चुका है, अब मैं भी खाने लगा हूँ. फिर खाते हैं क्योंकि कम बहुत टाइम कम रह गया है. फिर मैं आपसे बात करूँगा बाद में, मैं खा लूँगा. व्यूअर्स मैंने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब मैं ओवरलोड होकर बैठ गया हूँ. मेरा पेट ब्लास्ट होने लगा है. अब मैं पीने लगा हूँ चाय. अब मैं बैठ गया हूँ, मैं सब कुछ चाय सर्व करके आया हूँ. अब अपनी चाय लेके आया हूँ, अब देख सकते हैं आपको. अब मैं अपनी चाय बैठ के पीने लगा हूँ, फिर आपको बताते हैं कि हम क्या. उम्र 5 मिनट रह गए खत्म होने में. हाँ 5 मिनट रह गए, जल्दी पानी भरो, मुझे भी दो ग्लास पकड़ो वहाँ से. देखो 5 मिनट रह गए हैं, लान हो रहे, जल्दी भरो जल्दी भरो, मुझे भी दो, बस कर दो. पानी मुझे इसमें डाल दो मेरा, बस बस बस. चलो बैठ के पीते हैं, चलते हैं उधर. जी मैं आके बैठ चुका हूँ, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं. मैंने कहा चलो पहले पानी पी लेते हैं बैठ के. विलियम जेम्स पी ले मैं अभी. चलें पानी मैंने पी लिया है,
अब रोज़ा ख़त्म होने में सिर्फ एक ही मिनट रह गया। अब जी सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब नमाज जैसा आप लोग जानते हैं कि जब टाइम ख़त्म होता है फिर नमाज भी पढ़ने जाते हैं। अब मैं नमाज पढ़ने जाने लगा हूँ थोड़ी देर तक। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। अभी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।